तुम्हारा पति ही तुम्हारी हत्या करेगा। क्या? हर बात सच नहीं होती जानवी, और तू खुद ही सोच, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो तुझे इतना चाहता है वो तुझे मारेगा? इम्पॉसिबल। तो ये सब तू अपने दिमाग से निकाल, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम घर जाओ और ख्याल रखना, और आराम से जाना। तुम्हारा पति ही तुम्हारी हत्या करेगा। सब ठीक हो जाएगा। तू खुद ही सोच, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा पति ही तुम्हारी हत्या करेगा। अभी जो तुझे इतना चाहता है वो तुझे मारेगा? इम्पॉसिबल। तुम्हारी हत्या होगी, तुम्हारा पति ही तुम्हारी हत्या करेगा। तू खुद ही सोच, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? वो रास्ते में ढाबे पर कुछ खा लेंगे। मैकेनिक को आने में भी 2 घंटे और लगेंगे। मामा भूख लग रही है। सरप्राइज। तुम ठीक हो? फल पराठे, प्रसाद भोग, मेथी आटे के पराठे। अच्छा जानवी, पता है ऑफिस में क्या हुआ? क्या? मेरे एक एम्प्लॉय है, उसको हमेशा छुट्टी मारने की आदत है। इस बार उसने बिना बोले छुट्टी मारी। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम आए क्यों नहीं थे, तो मुझे बोलता है कि उसकी वाइफ की नानी एक्सपायर हो गई थी। मुझे लगा पक्का कोई ड्रामा कर रहा है, तो मैंने डायरेक्ट ना उसकी वाइफ को कॉल किया। पता है क्या हुआ? उसकी वाइफ मुझसे बोलती है कि उसकी नानी तो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। पूरा ऑफिस ना शाम तक हंसता रहा। उसका जो बैंड बजा है, शक्ल देखने लायक थी उसकी। और आइए हम बताते हैं कैसे एक पति ने की अपनी ही पत्नी की दिन दहाड़े हत्या। वो पति जिस पर पत्नी करती थी सबसे ज्यादा भरोसा, लेकिन उस पति ने भरोसे के आड़ में कर डाली हत्या। ये कहानी है स्वप्निल नामदेव की, भोपाल शहर का रहने वाला यह छोटा। अभी